हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड भूमि क्लासेस में। तो स्केलर की क्लासेस आपकी हो चुकी हैं, जिसमें आपको मैराथन आजकल देखने को मिल रही होगी, वो आपको देख लेनी है। एप्लीकेशन पे 2 मॉक टेस्ट हैं, जिसको हमने चेंज करके, जिन्होंने भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है, सिर्फ उनके लिए वो अभी अनलिमिटेड हो चुका है। वहाँ पे जाके आप एप्लीकेशन पे 2 मॉक टेस्ट तक आ चुके हैं, वो आप दे सकते हैं, ठीक है। कैसे देना है इस वीडियो के एंड में आपको पता चल जाएगा, कैसे फ्री मटेरियल में जाके मॉक टेस्ट आपको देना है, सिर्फ उनके लिए जिन्होंने नहीं दिए हुए हैं, ठीक। बाकी बात कर लेंगे आपकी, अभी परसों को एग्जाम आपका आ चुका है, 2 दिन आपके पास बचे हुए हैं सिर्फ, आज का और कल का। तो रिवीजन जितना हो सकता है वो कर लीजिए। थोड़ा सा निर्देश है, वो निर्देश मैं आपको दे देता हूँ, क्या क्या लेके जाना है, कितने बजे पहुँचना है, ये चीज़ें करोगे, थोड़ा टाइम से पहले पहुँचोगे तो 2-4 नंबर वैसे ही बढ़ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके दिमाग में कोई भी प्रेशर नहीं रहता, वो हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे, कैसे आपको एग्ज़ाम देना है, ठीक है। जो एक स्मार्ट तरीका होता है एग्ज़ाम देने का, वहाँ पे बैठोगे, हर कोई एग्ज़ाम देता है, हर कोई अच्छा खासा तैयारी करके गया हुआ है, ठीक है। आने जो पिछले 4 महीने पहले आपका फॉर्म निकला हुआ था, 3 से 4 महीने पहले, 4 महीने में सब ने भरपूर पढ़ा हुआ है, लेकिन 200 सीटें हैं, वो 200 सीटें हैं जो लेके आएंगे, उन्होंने क्या वहाँ पे कुछ अलग करेंगे, वो चीज़ें हम बात करेंगे। तो अच्छे से वीडियो को देख लेना और पेपर अच्छे से दे देना, पूरे अच्छे से बात करने वाले हैं, ठीक। सबसे पहले देखो जो महत्वपूर्ण निर्देश हैं वो आप सुन लीजिए, क्या क्या आपको लेके जाना है। कुछ भी चीज़ें नहीं लेके जाओगे फिर बहुत दिक्कतें होती हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर आपके दिमाग में बिल्ट हो जाता है। देखो, अभ्यर्थी अपना नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ फोटो, ठीक है, फोटो लेके जाना है। कोई यहाँ पे लिखा नहीं है एक या दो, दो आप लेके जाइए, लगता है एक ही है लेकिन दो लेके जाइए, ठीक है। दो कलर फोटोस्टेट नहीं, फोटो आपकी लेके जाना है। आधार कार्ड अथवा, देखो आधार कार्ड अथवा फोटो युक्त पहचान पत्र, देखो आधार कार्ड अगर आपके पास है सबसे बेस्ट है, ठीक है, आधार कार्ड आप लेके जाइए, काम आपका हो गया, कोई अन्य कुछ चाहिए ही नहीं। बाई चांस आधार कार्ड नहीं है या कुछ उसमें गड़बड़ी है तो वोटर आईडी आप ले जा सकते हो, पैन कार्ड है वो ले जाओ, पैन कार्ड देखो तीसरे ऑप्शन पर रखना, उससे पहले अगर ड्राइविंग लाइसेंस है वो लेके जाओ, ठीक है, फोटो युक्त तो होना चाहिए, लेकिन आधार कार्ड सबसे बेस्ट है, आधार कार्ड लेके जाइए। बिना आधार कार्ड या पहचान पत्र के एग्जाम में आपको सम्मिलित नहीं किया जाएगा, तो लेके ही जाना है। सबसे पहले बायोमेट्रिक होगी आपकी, उसके बाद उपस्थिति, जो बायोमेट्रिक में नहीं रहेगा उसको अनुपस्थित माना जाएगा। इसका ऐसा नहीं रहता कि कोई आपको वापस से चांस मिलेगा, ठीक है, वापस से चांस नहीं मिलने वाला है एग्जाम के लिए। उसके बाद आपका OMR सीट में ये आपका रहने वाला है, ऑफलाइन पेपर है, आपको पता ही है, 100 नंबर का आने वाला है, 120 मिनट आपके पास है। टाइमिंग की बात करूँ, 11 से 1 आपका पेपर होने वाला है और पहुँचना कितने बजे है, 9:30 बजे, ठीक है, 9:30 बजे पहुँच ही जाना, लंबी लाइन लगेगी तो आपको नंबर आते आते 10:30 बज जाता है, तो 9:30 बजे से पहले ही पहुंच जाना, मेरी मानो तो 8 बजे 8:30 बजे तक पहुंच जाना, नाश्ता वास्ता करना, आराम से रिलैक्स रहना, और जो आपका एग्जाम सेंटर है, आपके पास है एग्जाम सेंटर कहाँ पे है, तो वहाँ पे जाके आराम कर लेना, मतलब बैठ जाना, सो मत जाना, ठीक है, थोड़ा रिलैक्स करना, तो जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी पहुँचने की कोशिश करना। और जो बाकी जो दूर रहने वाले अभ्यर्थी हैं वो पहले दिन ही चले जाना, और जो बाइक वाइक से ट्रैवल करने वाले हैं, 2 व्हीलर से, तो ज़रा अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखते हुए जाना, ऐसा नहीं कि 4 घंटे का रास्ता है सुबह 5 बजे से ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, तो अगर ऐसा करना ही है तो जो और जल्दी ट्रैवल करना, वहाँ जल्दी पहुँचाना, ये है, ठीक है, थोड़ा सा अपना दिमाग आपका स्थिर रहेगा। किसी भी परिस्थिति में परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात अभ्यर्थी अगर पहुँचता है तो उसको नहीं बैठाया जाएगा, ठीक है, तो पहले ही पहुँचना है। OMR सीट में आपका होगा, देखो पेन कौन सी लेके जानी है, पेन लेके जाना काली और नीली, काली या नीली, ठीक है, काली या नीली बॉल पॉइंट वाली जो पेन रहती है, जेल पेन नहीं और पेंसिल नहीं, ठीक है, तो लेके जाना एक पेन अपने पास, या तो काली या फिर नीली बॉल पेन, ठीक है, मिले वहाँ पे तो अच्छा है, लेकिन आपके पास होनी ही चाहिए, एक पेन आप जरूर से लेके जाइए, ठीक है, पेंसिल से आपको वहाँ पे नहीं करना है। उसके बाद आपका OMR में लिखे समस्त निर्देशों का आपको ध्यानपूर्वक अवश्य से पढ़ लेना है। अभी मैं बताऊंगा आपको क्या क्या गलतियाँ वहाँ पे करते हैं, सब कुछ पढ़ के गए हो आप लोग, ठीक है। कोई भी अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में संपन्न होने से पूर्व किसी भी परिस्थिति में नहीं उठेगा, मतलब 1 बजे तक आपका पेपर चलने वाला है तो चलने वाला ही है। हमारे पास जो मॉक टेस्ट वाले होते हैं, पेड वाले ग्रुप वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, 100 में से 65-70 नंबर ले आते हैं, कितने मिनट में, 1 घंटे में ही, 50 मिनट में, 60 मिनट में, 70 मिनट में, कितने ले आते हैं, 60-70 नंबर ले आते हैं। आप क्या करते हो, वो 1 घंटा कुछ नहीं सबमिट करके छोड़ दिया, तो वहाँ पर ये गलती आपको नहीं करनी है। जो क्वेश्चन नहीं आता उस पर दिमाग लगाना, ऐसा नहीं, आपको अगर मान लो एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ, 60 क्वेश्चन आते हैं, 60 मार्क्स आपके आ रहे हैं, ये पेपर आपने सॉल्व कर दिया 70 मिनट में, बाकी कितने मिनट बचे, 50 मिनट और रिमेनिंग बचे हैं आपके पास, इस 50 मिनट में ऐसा करो कि कम से कम ये जो 40 क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं, इस 40 में से आप आराम से 10 से 12 क्वेश्चन कर सकते हो, वो भी बिल्कुल सही, ठीक है, अगर दिमाग लगाओगे तो। ऑप्शन है आपको, मैंने बोल लगा ऑप्शन टर्मिनेट करके भी आप आंसर निकाल सकते हो,
ठीक है, तो ये चीजें करोगे तो आराम से आ जाएंगे। अब ऐसा नहीं कि 50 मिनट में कर दिया फिर बाकी बैठ गया या तुक्के मार दिया, ऐसा बिल्कुल मत करना, टाइम बहुत है। शरीर में कोई डिवाइस लेके नहीं जाना, वो आप लोगों को पता ही है, कैलकुलेटर वगैरह कुछ नहीं ले जाना है। उसके अलावा यह मानकर आपको चलना है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम कुछ नहीं ले जाना है, वही लिखा हुआ है पूर्णतः औपबंधिक मानकर। देखो अगर आपका कोई दिव्यांग अभ्यर्थी है जो दृष्टिवादी है, जिसको किसी अन्य दिव्यांगता के कारण श्रुति लेखन सहायता की आवश्यकता है, वह न्यूनतम 3 दिन पहले वहां जाके बताएगा, वो उन्होंने जो भी होंगे उन्होंने बता दिया होगा, ठीक है। अभ्यर्थी अपना अनुक्रमांक, प्रश्न पुस्तिका सीरीज, अपना OMR शीट पर उपस्थित स्थानों पर लिख के वृत्तों को अवश्य भरेंगे, ठीक है। वहाँ पर क्या होता है आपका, आपका होता है जैसे कि ये अपना बुकलेट नंबर इस टाइप का होता है, बुकलेट नंबर होता है, उसमें मान लो आपका 2, 3, 4, 5 है, तो 2 पे गोला करना है, 3 पे गोला करना है, 4 पे गोला करना है, 5 पे गोला करना है, ये है। खाली इसी को रख के मत आ जाना, ये भी करना होता है। बाकी वहाँ पे रहते हैं जो चेक करने वाले रहते हैं, वो आपके होते हैं, वो आपको बता देंगे ऐसी कुछ भी गलती रहती है तो, ठीक है। तो ये हो जाएगा। उसके बाद उत्तर पुस्तिका जो रहेगी उसकी एक जो पीछे कार्बन कॉपी होती है वो आप लोगों को मिलती है घर के लिए, ठीक है, तो वो आपको मिल जाएगी और उसको संभाल के रखना, क्योंकि आंसर की शाम को ही आ जाएगी तो आपको पता चल जाएगा। किसी अभ्यर्थी का अगर प्रवेश पत्र, ठीक है, प्रवेश पत्र खो जाता है तो क्या करना है आप लोगों को, चयन आयोग की वेबसाइट पे, जो आपका ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे भी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, या 2 नंबर आपको नीचे दिए हुए हैं, इन नंबरों पर आप एक नंबर और ईमेल, ठीक है, इस पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये मेन चीज़ होगी क्या क्या लेके जाना है और कैसे जाना है, मैंने आपको पहले ही बोल दिया। देखो 9:30 बजे आपको पहुँचना है, 11 से 1 आपका पेपर है, तो 9:30 अगर लिखा हुआ है तो आप लोग वहाँ कम से कम पहुँच जाओ, 8:30 तक मैक्सिमम पहुँच जाओ, ठीक है। थोड़ा बैठो आराम से, रिलैक्स करो, कोई नई चीज़ यहाँ पे खोजबीन मत करने लग जाना कि हाँ ये पढ़ लेता हूँ, ये छोटा है वो पढ़ लेता हूँ, ठीक है, ये मत करना। अभी आज और कल पूरा बढ़िया से रिवाइज कर लीजिए, कुछ भी एक्स्ट्रा देखने की जरूरत नहीं है, जितना आप देख चुके हो उसी से आप क्वालिफाई कर लोगे। आपको 100 में से 100 नंबर नहीं लाने, अगर लाने हैं तो बहुत बढ़िया है, आप ले भी आओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आपको जो सेफ स्कोर है उतना भी अगर आप करके आते हो तो काम आपका हो जाएगा। नहीं आते 10-15 क्वेश्चन कोई दिक्कत की बात नहीं है, 90 में से तो करोगे, ठीक है। अब ऐसा है मान लो 4-5 चैप्टर नहीं पढ़े हैं, 10 चैप्टर आपने नहीं पढ़े तो 10 चैप्टर में से 10 क्वेश्चन आते हैं मान लो, लेकिन ये आपको नहीं आते तो 90 के तो आते ही हैं, ठीक है, तो 90 में से तो कम से कम 80 लेके आओ, तो इसी में से आप क्वालिफाई हो जाओगे। तो इतना टेंशन मत लेना कि ये छूट गया वो छूट गया। बाकी पहली चीज़ मैंने आपको बोल दी है परीक्षा केंद्र में बैठने तक का, ठीक है, तक टाइम पे पहुंच जाना, 8:30 तक मैक्सिमम पहुंच जाओ, 9:30 बजे से एंट्री है, मैक्सिमम 9 बजे चलो, उससे बाद मत पहुंचो क्योंकि लाइन लगेगी, धूप भी होगी, सब कुछ है, उतने खड़े खड़े पैरों में दर्द होगी क्योंकि वहाँ पे नंबर लगेगा, पूरा चेकिंग होगी, बायोमेट्रिक होगा, टाइम लगता है। आराम से रिलैक्स होकर 9:30 बजे खुल जाएगा गेट, सबसे पहले नंबर वंबर लगा लूँ कि अंदर बैठ जाओ सीट पर, रिलैक्स रहो थोड़ा सा, आँख बंद करके बिल्कुल हर एक चीज़ कर सकते हैं वहाँ पर, बहुत चीज़ें होती है करने के लिए, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है, जिसको जो सही लगता है। उसके बाद सबसे पहले एग्जाम जो देने का सबसे, इसमें गलतियाँ क्या क्या होती है पहले वो देख लो, गलतियाँ क्या होती हैं। आदमी हड़बड़ी में क्या कर देता है, जो ये OMR पे गोले कर रहे हैं ना, जैसे बुकलेट संख्या हो गया, रोल नंबर हो गया, हड़बड़ी में क्या कर देता है, ये नंबरिंग गलत कर देता है, यहाँ पे 4 भरेगा, गलती कर देगा, यहाँ पे गोला मार देगा 3 में। जो नए अभ्यर्थी हैं वो बिल्कुल ध्यान देना, यहाँ पे क्या है, जो पुराने अभ्यर्थी हैं वो भी बिल्कुल दिक्कत कर जाते हैं, उनको भी बिल्कुल ही समस्या हो जाती है, 4 की जगह पे 5 पे गोला मार देंगे, ए आंसर आ रहा है बी पे गोला कर देंगे, ए पहले का आंसर सी है वो दूसरे के सी पे गोला कर देंगे, क्योंकि होता है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत छोटी सी चीज़ है, इतना सा आपका OMR होता है, इतना सा ये, ठीक है, इतना सा OMR होता है और इसी में आपके 100 क्वेश्चन रहते हैं, 50 इधर ऐसे 25-25 के खाने में, तो बिल्कुल इसको आपको ध्यान से भरना है, ठीक है, अच्छे से ध्यान से बिल्कुल आपको भरना है। और क्वेश्चन जिस कैसे करने हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 1 से आपको स्टार्ट करना है, सबसे पहले क्या करोगे, साइंस करोगे, सबसे पहले साइंस करोगे, साइंस में जितने आते हैं, मान लो आपको 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन आपने गोला कर दिए, आंसर कर दिया अपना, कोई बात नहीं, 30 के बाद 20 क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं छोड़ दो, तुक्के वहाँ पे मत मारना, ठीक है। ये 30 क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो कितने मिनट लगेंगे इसमें, मैक्सिमम 15 मिनट लगेंगे, ठीक है, अभी भी आपके पास टाइम बचा हुआ है। अब उसके बाद आ जाओ मैथ पे, मैथ के 50 क्वेश्चन है, मान लो आपको 45 क्वेश्चन आते हैं या 40 ही आते हैं, इस पे मान लो आपको टाइम लग गया 60 मिनट, आपको यहाँ लग गया, कितने क्वेश्चन कर दिए आपने, 70 क्वेश्चन कर दिए, मान लो कुछ इसमें से गलत भी हो जाएंगे चलेगा, अभी टाइम कितना बचा हुआ है, 60 और प्लस 15 75 मिनट हुए हैं, इसको 20 ले लो चलो, 80 मिनट हुए हैं, 40 मिनट और बचे हुए हैं, क्वेश्चन कितने बचे हुए हैं आपके पास, 20 इधर से 10 इधर से, 30 क्वेश्चन बचे हैं, इस 40 मिनट का सही से उपयोग करोगे, दिमाग लगाओगे, काम अच्छे से करोगे, थोड़ा सा दिमाग पे स्थिरता रखना है, ये हड़बड़ी नहीं करनी है वहाँ पे कि ये छूट गया वो छूट गया, टाइम भरपूर मिलेगा, पहले भी बोल रहा हूँ अभी भी बोल रहा हूँ, देखो टाइम भरपूर मिलेगा, 40 मिनट में 30 क्वेश्चन करने हैं, 10 से 15 भी बन गए, तुक्के मत मारना,
कुछ क्वेश्चन ऐसे लगेंगे आपको कि हाँ इसके दो आंसर हो सकते हैं, मान लो ए और सी हो सकता है, तो थोड़ा सा दिमाग लगा के उसको आप कर सकते हो, ठीक है ऐसे, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करना। अब ऐसा नहीं कि आप 40 क्वेश्चन ऐसे ही करके आ जाओ, ठीक है सही हो गए तो अच्छा है, नहीं हुए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन पे ऐसे रिस्क मत लेना। अगर आप 70-75 प्लस यहाँ पे सही स्कोर करके आ रहे हो, 75 प्लस या 70 प्लस आपने सही स्कोर किया है, तो ऐसे क्वेश्चन अगर दिखेंगे तो एक दो कर सकते हो या दो चार कर सकते हो, दो चार कर सकते हो, ये नहीं कि 30 के 30 करके आ गए। ये 30 के 30 करोगे, मान लो 4-5 सही हुए बाकी सब गलत हुए, तो 7-8 नंबर माइनस मार्किंग हो जाएगी, क्योंकि माइनस मार्किंग भी यहाँ पे रहने वाली है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। देखो साइंस में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, साइंस के जो क्वेश्चन आपको आते होंगे, जो आपने पढ़ा होगा, वो डायरेक्ट आंसर आपको आएगा वहाँ पे। अगर पढ़ा ही नहीं है या आता ही नहीं है, क्वेश्चन कुछ अलग है, तो वो आपको समझ में नहीं आएगा, तो उसको छोड़ देना है, ठीक है। तुक्के मारते हुए मत जाना। अब ये चीज़ हुआ, एक राउंड में आपने कितने कर दिए, 40 और 30 70 कर दिए। मैं इसको 70 भी नहीं, 60 से 70 लेता हूँ, ठीक है। एक राउंड में आपने 60 से 70 कर दिए, टाइम लगा आपका 80 मिनट। अब आपका सेकंड राउंड स्टार्ट होना चाहिए 40 मिनट वाला। वो 40 मिनट वाले राउंड में जितने क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं उनको एक एक करके ध्यान से देखो। आपको कुछ क्वेश्चन तो ऐसे भी होंगे जो स्टार्टिंग में फर्स्ट चांस में आपको समझ में आ रहा है कि हाँ यार ये बन जाएगा, लास्ट तक बन जाएगा, तो आपको उसको उस टाइम पे छोड़ दिया आपने। लास्ट में जब आपने पूरा कंप्लीट कर दिया 60-70 वाला, जो पहला राउंड क्लियर किया है, उसके बाद सेकंड राउंड में पहले उसी क्वेश्चन पे जाओ, हाँ इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, हाँ ये मैंने पढ़ा था, इसका आंसर यही होगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको आते हैं उस टाइम पे दिमाग में फिट नहीं करते, मतलब आपको कोई क्वेश्चन है, कोई भी एक क्वेश्चन है, कोई यूनिट पूछ रहा है, आपको उस टाइम पे आ नहीं रहा कि हाँ ये है या ये है, ठीक है, आपने उसको छोड़ देना है, वहाँ पे तुक्का नहीं माना स्टार्टिंग में। आप आगे क्वेश्चन करोगे ना, वो पुराना वाला क्वेश्चन जो था अपने आप ही आपके माइंड पे हिट करेगा कि हाँ उसका आंसर ये है, सीधे जाके पीछे गोला मार के आओ। और जो गोला मारने वाला तरीका है उसको ध्यान रखना, उल्टे सुलटे मत करना कि यहाँ पे इस तरीके से दिया हुआ है, मैं सिर्फ दो का लेके चलता हूँ, इसका ये था, इसका आपने ये कर दिया, ये बहुत गलती होती है। और या फिर इसका बी था, आपने ए कर दिया गलती से, फिर इसको भी करोगे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। माइनस कितना है आपका, 1/4 हो ही जाएगा। तो ये चीज़ है, तो इन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान देना है, मेन चीज़ें यही होती हैं, ठीक है। अब जो पढ़ने वाले, देखो पढ़ाई आप सभी लोगों ने की है, पूरा आपने 3 महीने अच्छे से जी जान से मेहनत लगाई हुई है हर एक बच्चे ने, लेकिन क्या है आपका वहाँ पे सीटें 200 हैं और 200 सीटें में से ही आपको अपने मार्क्स लाने हैं, और जो ये चीज़ें करेंगे ना वो चीज़ें वहाँ पे बिल्कुल आपका सफलता बिल्कुल मिलेगी, ठीक है। हड़बड़ी बिल्कुल मत करना, मेन चीज़ यही है। और जो कुछ भी है, जैसे हाथों में आपने कुछ पहना है, गले में कुछ पहना है, उसको घर पे ही उतार के लेके जाओ, उसको वहाँ पे लेके जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आपको उतारना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा और जो दिमाग ख़राब होता है इन चीज़ों में, तो ये चीज़ आपको करनी ही नहीं है। अपना अगर दूर से जा रहे हो बैग लेके जाओ, बैग पहले ही जमा करा दो, टाइम पे लाइन पे लग जाओ, हर एक चीज़ वहाँ पे हो जाएगा, जल्दी काम हो जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। बाकी जो नए अभ्यर्थी हैं, बिल्कुल संयम बना के चलना है, बिल्कुल कोई टेंशन की बात नहीं है, सब चीज़ें हो जाएंगी, ठीक। तो बाकी बेस्ट ऑफ लक आप सभी लोगों को। ये वीडियो आपकी स्केलर के एग्जाम के लिए होगी, एग्जाम देके आइए, फिर वैसे ही आपका आंसर की बनाया जाएगा, तुरंत आपको 1 घंटे के अंदर ही आपको मिल जाएगी आंसर की। जैसे मेरे पास पेपर आता है वैसे हम आंसर की बनाएंगे, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। बाकी क्लासेस अभी सभी कुछ पेड ग्रुप पे आपकी वहाँ चली रही थी, जितना भी हो गया सब कंप्लीट हो गया है, जो बचा हुआ है छोड़ दीजिए, जितना आपको पढ़ने के लिए बोला है वो आपने पढ़ लिया होगा, ठीक है। एक दो टॉपिक छूटे होंगे, होंगे तो, वरना वो भी आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, बहुत होशियार लोग आप, ठीक है। बाकी चीज़ें क्या है, आगे जो भी क्लासेस चलने वाली है, आगे बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, तो बिल्कुल आपको कोई भी टेंशन लेके नहीं चलना है, बिल्कुल निश्चिंत होकर वहाँ पे जाइए, ठीक है। आराम से एग्जाम में बैठिए, एग्जाम निकालिए, बिल्कुल निकलेगा, आपने मेहनत की हुई है, अच्छी खासी मेहनत की हुई है, वो हम लोगों को भी दिखता है, ठीक है। बाकी फिर अन्य वैकेंसी आएगी उसकी तैयारी भी होती रहेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं। बाकी टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एप्लीकेशन अभी आपको दिख जाएगा, ठीक है, ये वीडियो के लास्ट में ही आपको दिख जाएगा कहाँ से आपको फ्री टेस्ट देना है, वो फ्री टेस्ट दे दीजिए, थोड़ा सा आपको पता चल जाएगा कौन से अभी कहाँ पे मेरे को डाउट आ रहा है, मतलब कौन से क्वेश्चन मेरे नहीं हो पा रहे। मैथ का मेन फोकस करना, अभी इस टाइम पे मैथ पे मेन फोकस करो, 50 नंबर का आने वाला है, सारे चैप्टर एक बार रिवाइज कर लो, फिर साइंस पे जाओ, ठीक है। जितने फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूले पढ़ लो, क्लासेस में मैंने आपको सब कुछ बता रखा है कि कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ से क्या बनता है, कहाँ से क्या नहीं बनता, ठीक है। तो वही चीज़ें रहने वाली है, अच्छे से मेहनत करो, बढ़िया से, 2 दिन बचे हुए हैं, आज का दिन अभी क्या ही बचा हुआ है, दिन आपका हो ही जाएगा, ठीक है। तो आज और कल का दिन है, कुछ लोग कल शाम को ही निकल जाएंगे एग्जाम सेंटर, दूर जिनका पड़ा हुआ है, कोई बात नहीं, एग्जाम सेंटर में जरूर से जाइए, पेपर जरूर से दीजिए, ठीक है। आपने फिजिकल क्वालिफाई किया हुआ है, सिर्फ 9000 अभ्यर्थी हैं, 200 सीटें हैं, अच्छी मतलब यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिली हुई है कि आप यहाँ पे एग्जाम निकाल सकते हैं। बाकी वीडियो को एंड करते हैं, आप यहाँ पे देख लीजिए मॉक टेस्ट कैसे आपको लेना है, और अभी वो मॉक टेस्ट आपका फ्री है, और बाकी 49 वाला भी है एक मॉक टेस्ट जिसमें 5 मॉक टेस्ट दिए हुए हैं, वो भी आप लोग ले सकते हैं। मॉक टेस्ट देखिए इस टाइम पे कितना आपको आ रहा है, वो आइडिया लगाइए।
तो वीडियो आप देख लीजिए, अंत में यहाँ पे आपको दिखाया गया है कैसे आपको मॉक टेस्ट फ्री वाले लेने हैं और पेड वाले लेने हैं। तो एप्लीकेशन के बारे में डिटेल में मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और iOS वाले कैसे डाउनलोड करेंगे, कैसे एक्सेस ले सकते हैं। ठीक है, आप देखिए बगल में आपको एक स्क्रीन दिख रही होगी, आप प्ले स्टोर पर जाइए, एंड्रॉयड वालों के लिए बात कर रहा हूँ, और वहाँ पे उत्तराखंड भूमि क्लासेस करके सर्च कीजिए। देखो स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, जो हमारा यूट्यूब का लोगो है वही लोगो वाला एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा तीसरे या चौथे नंबर पर या दूसरे नंबर पर। ठीक है, ऐसे आपको उस पर क्लिक करना है, इंस्टॉल करना है। ठीक, उसके बाद आपके उसमें दो ऑप्शन दिखते हैं, इंस्टॉल करके ओपन करने के बाद आपको दिखता है व्हाट्सअप से आपको लॉगिन करना है या कोई अनदर नंबर से आपको लॉगिन करना है। आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन ले सकते हो। व्हाट्सअप से करोगे तो जो आपके मोबाइल पे व्हाट्सअप है उसी नंबर से वो लिंक हो जाएगा। ठीक है, और आपके व्हाट्सअप पे एक OTP आएगा, वो अपने आप ही एक्सेस ले सकता है या OTP आपसे मांगा जाएगा, वो आप डाल सकते हैं। सीधे आपको Gmail ID और अपना नाम फिर पूछा जाएगा और आप यहाँ पे लॉगिन कर लोगे। उसके अलावा अगर अनदर वाला करेंगे तो इस पर क्लिक करके आपको अपना नंबर डालना है, आपके नंबर पे एक OTP आएगी, वो OTP आपको यहाँ पे फिलअप करना है, और फिलअप करने के बाद आपको आपका Gmail ID और आपका नाम आपसे पूछा जाएगा, और सबमिट करने के बाद आप एप्लीकेशन में आ जाओगे। अब देखो एप्लीकेशन मैंने ओपन किया, अब एप्लीकेशन ओपन करते ही अब यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। सबसे पहले हमारे बैच दिख जाएंगे आपको, जो पेड बैच चल रहे हैं, जैसे कि अभी चल रहा है मेरे उसमें करंट पे दिख रहा है, 21 रुपये में 3 मॉक टेस्ट हैं आपके स्केलर के लिए, जो कि आपके PDF फॉर्मेट में है। जैसे ही मैं इसमें बाय नाउ पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करते ही नीचे मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा, यहाँ पे दिख जाएगा आपको कि कितने इसमें फाइलें हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, वैलिडिटी कब तक है, और नीचे जैसे I am interested करके एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक आपको करना है, और यहाँ पे सक्सेस का ऑप्शन आएगा, डन हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका क्या होगा, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है या फिर आपका जो व्हाट्सअप नंबर आपने रजिस्टर्ड किया है, वहाँ पे एक आएगा मैसेज। ठीक है, उस मैसेज पे जैसे ही मैं आपका क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मुझे एक लिंक मिलता है, इस लिंक पे मुझे क्लिक करना है, और यहाँ पे मैं फिर आपका क्या कर लूँगा, पेमेंट इसमें कर दूंगा। पेमेंट जितना भी फीस था वो आपका सबमिट किया, सबमिट होते ही आप सबमिट करते ही क्या करोगे, वापस एप्लीकेशन में चले जाओगे, चाहे मिनिमाइज में रखाओ या फिर बैक करके रखाओ। अब जो ये कोर्स था आपका, इसमें जो भी फाइलें थी ये फाइलें आपकी सारी ओपन हो जाएगी। पहले ये अनलॉक थी, पहले ये लॉक होंगी, ठीक है, बाद में ये अनलॉक आपकी हो जाएंगी। सब फाइलें आप यहाँ पे डाउनलोड भी कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे होम पेज पे चले जाता हूँ। मान लीजिए आपके लिए क्या है, कोई फ्री मटेरियल है, कैसे मिलेगा, ऊपर 3 आपकी लाइनें दिख रही है, उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ऑफलाइन डाउनलोड दिख जाएंगे, जो चीज़ें आपने डाउनलोड करके रखी हैं। फ्री मटेरियल पर आप क्लिक करोगे तो यहीं पर आपको टेस्ट मिलेगा। देखो टेस्ट का ऑप्शन है, जो फ्री टेस्ट है जो कि आपका रहने वाला है वो आपको यहीं पे मिलेगा, और यहाँ पे वीडियोज आपको फ्री की मिल जाएंगी, डॉक्यूमेंट PDF वगैरह आपको यहाँ पे फ्री की मिल जाएंगी। बाकी जो कोर्सेज हैं वो आपको होम पेज में स्टार्टिंग में दिख जाएंगे, आपको कितनी सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई है, कौन कौन से बैच चलने वाले हैं, यहाँ पे आपको बैनर भी दिख जाएंगे, इन बैनर से आपको पता चल जाएगा अगला बैच कौन सा चलने वाला है। ठीक है, इस तरीके से रहने वाला है, आपको यहाँ से डाउनलोड करना है और अपना जो भी आप क्लासेस ले रहे हो यहाँ पे आप ले सकते हैं। कोई भी कोर्स आप लेना चाहते हो, हर एक कोर्स यहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाएगा।